शहर में टावरों में से चार अलग अलग कंपनियों ने मुख्यमंत्री विट्ठल केदारे द्वारा अनाधिकृत मोबाइल टावरों को सील करने की कार्रवाई की है। लोनार नगर पालिका में पंजीकृत कुछ टावर अनाधिकृत हैं। उन्होंने बिना अनुमति के टावर खड़े कर दिए हैं और अनाधिकृत बिजली कनेक्शन ले लिए हैं। लोनार नगर पालिका में पंजीकृत कुछ टावर अनाधिकृत है। उन्होंने बिना अनुमति के टावर खड़े कर दिए हैं और अनाधिकृत बिजली कनेक्शन ले लिए हैं। ऐसे चार टावरों पर नगर परिषद के माध्यम से कार्रवाई की गई है। नगर परिषद के बार बार निर्देश और कागजी कार्रवाई के बावजूद उन्होंने कोई अनुमति नहीं ली है। इस टावर पर 15 करोड़ रुपए का बकाया है और अनाधिकृत टावर को सील कर दिया गया। दस्ते के नेता SS थोराटकर, निरीक्षक अनवर शाह, फूलचंद व्यास, संजीव अनवर, अशोक निचांग, गजू बजद, प्रभु सनब सूर्यवंशी, किरण गरकल, नागरे अशोक मानकर, पुलिस विभाग के भगवान नागरे, विजय अधव आदि उपस्थित थे। आज लोनार नगर पालिकेतर्फे लोनार शहरातील अनधिकृत टावर जे उभारलेले त्यांच्यावर सील करण्याची कारवाई करण्यात आलेली आहे। आम्ही वर्षानुवर्ष या टावर धारकांना आणि यांच्या कंपनीना पत्रव्यवहार केलेला आहे की आपण नगरपालिकेचं जे काही शुल्क आहे नियमानं ते भरावं, परंतु त्यांनी नगरपालिकेच्या पत्राला दाद दिली नाही। आम्ही MSEB पत्र दिलेलं आहे की यांची वीज जोडणी जी आहे ती तोडा, परंतु त्यांनी कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही, कोणतेही शुल्क भरले नाही। म्हणून आम्ही आज शहरातील चार अनधिकृत टावर सील करणार आहोत। शहरातील जे काही अनधिकृत टावर आहेत त्यांच्याकडे नगरपालिकेची जवळपास 25 कोटीची थकबाकी आहे, त्यामुळे आम्ही यांच्यावर कारवाई करत आहोत। आणि याद्वारे मी लोणारमधील सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की त्यांनी आपल्याकडे असलेली मालमत्ता कर आणि पाणी कराची थकीत रक्कम भरावी, पण नगरपालिकेला सहकार्य करावे, अन्यथा आम्हाला आमच्या नगरपालिकेच्या अधिनियमानुसार कारवाई करावी लागेल। लोणार से BCN न्यूज के लिए शेख सम्मत की रिपोर्ट।